इलोन मस्क ने एक बार कहा था कि वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन मस्तिष्क में ह्यूमन ब्रेन में चिप स्थापित करने का काम उनके वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। फाइनली आज पता चल गया है कि इलोन मस्क ने मानव मस्तिष्क में चिप स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इन्होंने सबसे पहले सूअर के मस्तिष्क में चिप स्थापित किया था, जिसके परिणाम इनको सफलता मिली। उसके बाद इन्होंने मंकी बंदर के मस्तिष्क में चिप सर्जरी के माध्यम से चिप प्रतिस्थापित किया, और जिसके परिणाम इनको मिले उसमें भी इन्होंने सफलता प्राप्त की। फिर धीरे 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 इनका ये चलता गया परीक्षण, फिर फाइनली आज पता चला है कि इन्होंने मानव मस्तिष्क में भी चिप का सफल परीक्षण कर लिया गया है, और उसके परिणाम देखने को यह मिले कि जिस मानव के मस्तिष्क में चिप का सफल परीक्षण स्थापित करने का सफल परीक्षण किया गया है, वो मानव मात्र संकेत मात्र से ही किसी मोबाइल कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। इनकी कंपनी ट्रेपिंग बोल्ट नाम की अच्छी कंपनी, उन्होंने पहले दावा किया था कि हम मानव मस्तिष्क में चिप स्थापित करने का काम करेंगे। कहा यह गया था कि इलोन मस्क ने कहा था कि ट्रेपिंग चिप स्टार्टअप इनकी एक कंपनी है, न्यूरोलिंक ने सबसे पहली बार मानव रोगी के मस्तिष्क में चिप स्थापित किया और ठीक हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि न्यूरोलिंक से पहले प्रोडक्ट का नाम टेलीपैथी। मस्क ने कहा है कि महज सोचने भर से केवल मनुष्य जिसके शरीर में चिप स्थापित की गई है ह्यूमन बॉडी की ब्रेन में, वो केवल सोचने भर से किसी कंप्यूटर या मोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए उसको अपने मस्तिष्क से कंट्रोल कर सकता है। मोबाइल कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने मस्तिष्क के जरिए कंट्रोल कर सकता है, और उसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। तो ये हमारी मानव प्रजाति के लिए भविष्य के लिए सही रहेगा या गलत, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। हालांकि वैज्ञानिक आविष्कार तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और रोबोट है ये है और मस्तिष्क में भी चिप का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसके असर देखने को यह मिल रहे हैं कि मानव अब कई गुना मानव मस्तिष्क, हालांकि तो वैसे भी उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये चिप प्रतिस्थापित की गई है, इससे मानव मस्तिष्क और कई जीबी आगे बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने सूअर पर परीक्षण किया, फिर बंदर पर परीक्षण किया, और फिर फाइनली उन्होंने एक रोगी मानव मस्तिष्क के लिए चिप का सफल परीक्षण कर दिया। और ये इसको क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आगे भविष्य में ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, ये भविष्य में मनुष्य जाति के लिए लाभदायक रहेगा।